लक्कड़गंज थाना अंतर्गत आज सुबह अजीब गरीब वाकया हुआ है। कुख्यात चोर ने उसका चोरी में जब्त हुआ ट्रक खुद ही पुलिस थाने के भीतर से चोरी कर ले गया। इस घटना के बाद अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस के थाने के अंदर से कर्मचारियों की मौजूदगी में एक चोर घुसकर खुलेआम चोरी कर ट्रक ले जाने से कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार 9 अक्टूबर को एक स्टील कंपनी का सलाखों से भरा हुआ ट्रक 9 अक्टूबर को चोरी हुआ था। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के दस्ते ने ट्रक चोर संजय ढोने को ट्रक और माल के साथ गिरफ्तार किया और उसे लकड़गंज थाने के हवाले कर दिया। लकड़गंज पुलिस ने आगे की कार्रवाई कर चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रक जब्त किया और चोर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। आरोपी ढोने को अदालत से जमानत मिल गई है। आरोपी सुबह लकड़गंज थाने पहुंचा और थाने के परिसर में रखे ट्रक को पुलिस को चुनौती देते हुए ट्रक थाने के अंदर से चुरा कर फरार हो गया। लकड़गंज के थानेदार नरेंद्र हिवरे ने बताया कि आरोपी की खोजबीन में अलग अलग टीम लगी हुई है, साथ ही सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से ट्रक का पता लगाया जा रहा है। तो मूर्खेवरून ताब्यात घेण्यात आला होता, जप्त करण्यात आला होता आणि प्रोसेस चालू होती त्याची, ते कोर्टात वगैरे गेले होते। ज्यांचा माल होता, ट्रक होता, आणि त्यामुळे तो पोलीस स्टेशनच्या समोरच्या भागात, जुन्या पोलीस स्टेशनच्या भागात रोडवर ठेवण्यात आलेला होता। तिथे त्या ट्रकवाल्याचा एक गार्ड पण होता। आज सकाळी एक आरोपी आला आणि त्याला सांगितलं की गाडीची नीचे उतर, आणि तो ट्रक जुना असल्यामुळे कुठल्याही खेळांनी वगैरे चालू होतो, तो ट्रक तो घेऊन गेलेला आहे। ही घटना जवळपास सकाळची 5:30 आहे। त्या गार्डने त्याच्या मालकाला फोन केला, मालक आणि तो मग नंतर ठाण्यात आले आणि आमचे सगळे लोक कामाला लागलेले आहे, आजूबाजूच्या नाक्यावर वगैरे त्याप्रमाणे चालू आहे। आरोपी पण माहीत आहे, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये त्याचं वर्णन पण मिळालेलं आहे, ट्रक कोणत्या भागात जात आहे ते पण दिसत आहे। त्या अनुषंगाने आमचा तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज नागपूर।